फ्री गाय। फिल्म की शुरुआत में हम फ्री सिटी नाम की एक सिटी को देखते हैं। फ्री सिटी नाम की सिटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास सनग्लासेस होते हैं और दूसरे जिनके पास सनग्लासेस नहीं होते। अब हम मिलते हैं अपने हीरो गाय से। वो रोज सुबह उठता है, कॉफी पीता है और अपने बेस्ट फ्रेंड बडी के साथ बैंक जाता है। अब हमें ये पता चलता है कि गाय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता है। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड बडी उससे कहता है कि तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगी। अब सीन चेंज होता है और हम मिली नाम की एक प्लेयर को देखते हैं। मिली एक दूसरे प्लेयर से एक फाइल मांगती है। पहले तो वो प्लेयर उसे वो फाइल देने को मना करता है, लेकिन जब मिली उसे अपने गन पॉइंट पे लेती है तो वो मिली को फाइल दे देता है और फिर मिली उसे गोली मारकर वहां से चली जाती है। अब गाय और बडी बैंक के बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो गाय पहली बार मिली को देखता है और गाय को ये एहसास होता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो यही है। अब उसके प्यार में पागल होकर गाय उसका पीछा करता है। बडी उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर गाय नहीं मानता और तभी एक ट्रेन गाय के ऊपर चढ़ जाती है और वो मर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्री सिटी तो एक वीडियो गेम है और इस गेम को मिली ही खेल रही होती है। फ्री सिटी एक ट्रेंडिंग गेम होता है, लेकिन मिली उसे इसलिए खेल रही होती है क्योंकि मिली को उसमें से कुछ कोड चाहिए होते हैं जो उसे उसी गेम में मिलेंगे। अब गेम के अंदर गाय फिर से उठता है, फिर से तैयार होता है, फिर से कॉफी शॉप जाता है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल कॉफी की जगह कैपेचिनो कॉफी मांगता है। ये बात सुनकर शॉप में बैठे सारे लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अब गाय घबरा जाता है और कहता है कि मुझे नॉर्मल कॉफी ही चाहिए और वहां से चला जाता है। अब बैंक में रोज की तरह ही लूटमार हो रही होती है, तभी गाय को बैंक के बाहर मिली दिखाई देती है। लेकिन बड़ी गाय से कहता है कि वो तुमसे बात नहीं करेगी क्योंकि वो सनग्लास वाली लड़की है। तब गाय को ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस रॉबर से सनग्लास ले ले, तो वो उस रॉबर से सनग्लास मांगता है। सनग्लास ना देने पर गाय रॉबर को मार कर उससे सनग्लास ले लेता है। अब जब उन सनग्लासेस को गाय पहनता है तो उसे गेम की असली दुनिया दिखाई देती है जो सिर्फ एक प्लेयर ही देख सकता था। गाय ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो किसी प्लेयर को मार कर या उसकी हेल्प करके पैसे अर्न कर सकता है। अब हम गेम के बाहर इसके डेवलपर्स को देखते हैं जो ये नोटिस करते हैं कि गाय ने एक दूसरे प्लेयर के सनग्लास को छीना है। दरअसल इस गेम में गाय एक NPC होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल प्लेयर। अब कीज ये सब अपने साथी माउजर को दिखाता है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो गाय को बैन कर देंगे। वो गाय को गेम के अंदर मारने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा कर नहीं पाते। इस बात से कीज बहुत हैरान होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि कीज और मिली ने लाइफ इटसेल्फ नाम का एक गेम बनाया था। पहले तो सुनामी नाम की कंपनी उनका गेम रिलीज करने वाली होती है, लेकिन बाद में उस कंपनी के ओनर एंटविन ने उस गेम का सोर्स चुरा कर एक नया गेम फ्री सिटी बना दिया होता है और इसीलिए मिली कीज से उस गेम के अंदर के सोर्स कोड पाने के लिए हेल्प मांग रही होती है। लेकिन कीज अपना कॉन्ट्रैक्ट सुनामी कंपनी के साथ तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मिली की कोई हेल्प नहीं कर पाता। अब गाय गेम के अंदर फिर से मिली का पीछा करते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो मिली गाय से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो गाय मिली से पूछता है कि मैं अपना लेवल अप कैसे करूं, तो मिली गाय से कहती है कि तुम लोगों की हेल्प करके या कुछ और एक्टिविटी करके अपना लेवल बढ़ा सकते हो। अब गाय लोगों की इतनी हेल्प करता है कि वो गेम वर्ल्ड में फेमस हो जाता है और दूसरे प्लेयर्स को ये लगता है कि गाय कोई रियल प्लेयर है। अब मिली कीज की हेल्प से उस सीक्रेट वीडियो को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वहां के गार्ड्स मिली पर हमला कर देते हैं और वो मिली पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी गाय एक हीरो की तरह कांच तोड़ता हुआ एंट्री मारता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। अब जब गार्ड से लड़ते लड़ते मिली गाय से बात कर रही होती है तो कीज गेम में देखता है कि मिली बात किससे कर रही है, क्योंकि मिली के सिवा वहां पर कोई और प्लेयर नहीं होता और ये जानकर कि उसके सिवा वहां पर कोई और प्लेयर नहीं है मिली भी हैरान होती है, क्योंकि मिली ये नहीं जानती थी कि गाय एक NPC है।
खैर मिलियर गाय गार्ड्स को मारते हुए कांच तोड़कर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गलती से वो वीडियो टेप तो वहीं रह जाता है। अब हम देखते हैं सुनामी कंपनी के ओनर एंटोइन को, और वो बहुत जल्द ही फ्री सिटी का दूसरा सीक्वल निकालने वाला होता है। अब जब मिली और गाय एक साथ होते हैं तो मिली गाय से पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो गाय उसे अपना असली नाम गाय ही बताता है। मिली को लगता है कि गाय को किसी हैकर ने हैक किया हुआ है। इसके बाद मिली इस बात से बहुत हैरान होती है कि गाय को भी वही चीजें पसंद होती हैं जो मिली को पसंद होती हैं। गाय मिली को किस करता है और फिर मिली वहां से चली जाती है। अब कीज मिली को बताता है कि सुनामी कंपनी का ओनर फ्री सिटी 2 बनाने वाला है और इससे पुराने सारे कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे और गाय भी डिलीट हो जाएगा। दरअसल गाय पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर होता है। कीज मिली से कहता है कि हमें गेम के अंदर जाकर सोर्स कोड ढूंढना होगा और इसके लिए हमें गाय की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब मिली गेम के अंदर जाकर गाय को ये बता देती है कि ये कोई असली दुनिया नहीं है बल्कि एक गेम है। ये सुनकर गाय को बहुत धक्का लगता है और वो मिली को वहां छोड़कर अपने दोस्त बड़ी के पास चला जाता है। बड़ी गाय से कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली चीज ये है कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूं। ये सुनकर गाय मिली की मदद करने के लिए बड़ी के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां पर वो टेप होता है, लेकिन उस जगह का ओनर तो गाय का फैन होता है और वो टेप वो उसे ऐसे ही दे देता है। फिर गाय वो टेप लाकर मिली को देता है और टेप देखकर मिली बहुत खुश होती है। अब रियल वर्ल्ड में गाय के कारनामे तहलका मचा देते हैं और कई सारे प्लेयर्स उसे अपना हीरो मानने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाय की वजह से सुनामी कंपनी के ओनर के नए गेम की बुकिंग बहुत कम हो जाती है। तो सुनामी कंपनी का ओनर एंटोइन सारे सर्वर्स को रीबूट कर देता है और ऐसा करते ही पूरा गेम रीसेट हो जाता है। अब जब गेम के अंदर मिली गाय से मिलने पहुंचती है तो गाय उसे पहचानने से मना कर देता है। मिली गाय को बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है। दरअसल गाय ही मिली की आखिरी उम्मीद होता है। तभी मिली के पास कीज का कॉल आता है और वह मिली से कहता है कि गाय का डेटा अभी भी मौजूद है और क्योंकि तुम गाय की ड्रीम गर्ल हो इसलिए तुम ही उसे एक्टिवेट कर सकती हो। ये सुनते ही मिली गाय के पास जाकर उसे पकड़ के किस कर लेती है और किस करते ही गाय को सब याद आ जाता है। दोस्तों ये एक बेहतरीन फिल्म है और इस मूवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिली गाय से पूछती है कि तुमने लाइफ इटसेल्फ के डिजाइन को कहाँ देखा है, तो गाय उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और विंडो के रिफ्लेक्शन दिखाता है। इससे मिली को ये पता चल जाता है कि एंटोइन ने उसके ओरिजिनल गेम का डाटा सी के पीछे छुपा के रखा है। अब रियल वर्ल्ड में मिली से ये सब जानने के बाद कीज मिली से कहता है कि सी के पार जाने के लिए उसे एक ब्रिज बनाना होगा, लेकिन कीज को ये डर भी होता है कि एंटोइन उन पर गेम के अंदर कहीं अटैक न करवा दे। अब गाय वहां के सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन सबको बताता है कि सी के पार एक ऐसी दुनिया है जहां उन्हें कोई सनग्लास वाला परेशान नहीं कर सकता। ये सुनते ही गेम्स के सारे कैरेक्टर्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब रियल प्लेयर्स गेम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई प्लेयर नहीं मिलता। इस बात से माउसर और एंटोइन बहुत परेशान हो जाते हैं। अब एंटोइन ये पता लगा लेता है कि ये सब मिली ने किया है। अब एंटोइन मिली और गाय को गेम के अंदर मारने के लिए कहता है। माउसर मिली और गाय को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो दोनों सिटी के बाहर पहुंच ही जाते हैं। अब गुस्से से पागल एंटोइन गेम के अंदर डूड नाम के कैरेक्टर को लॉन्च करने के लिए कहता है और वो माउसर से कहता है कि वो मिली को ऑफलाइन कर दे, लेकिन दूसरी तरफ कीज चुपके से इस गेम को लाइव स्ट्रीम कर देता है जिससे पूरी दुनिया गाय को देख सकती थी। डूड नाम का भारी भरकम कैरेक्टर गेम में लॉन्च हो जाता है और फिर वो गाय की जबरदस्त धुलाई करता है। वो बड़ी को भी उठाकर फेंक देता है और फिर लड़ते लड़ते वो गाय को ऐसा मुक्का मारने जा रहा होता है जिससे गाय मर जाएगा।
लेकिन गाय कैप्टन अमेरिका की शील्ड से अपने आप को बचा लेता है और फिर गाय डूड को एक हल्क मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। अब लड़ते लड़ते गाय अपने सनग्लास डूड को पहना देता है और सनग्लास पहनते ही डूड बावला सा हो जाता है और बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। अब गाय बड़ी के साथ सी पर बने ब्रिज पर दौड़ता है और एंटोइन का गाय को मारने का प्लान फेल हो जाता है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर सर्वर रूम में पहुंचता है और एक एक करके सारे सर्वर्स को तोड़ देता है और इससे गेम के अंदर सब कुछ तबाह होने लगता है और बडी भी गेम में से गायब हो जाता है। लेकिन गाय किसी भी तरह से मिली और कीज के ओरिजिनल मैप तक पहुंच जाता है और ये सब सारी दुनिया देख रही होती है। अपनी इस घटिया हरकत की वजह से सुनामी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और इसके बाद मिली और कीज एक नया गेम बनाते हैं जिसका नाम होता है फ्री लाइफ। गेम के अंदर मिली को गाय से ये मालूम पड़ता है कि गाय को कीज ने ही बनाया होता है और इसी तरह मिली को ये मालूम पड़ता है कि कीज उससे बहुत प्यार करता है। मिली भागते हुए कीज के पास जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब गेम के अंदर गाय डूड के साथ चलते चलते बड़ी को बहुत मिस करता है। तभी उसे बड़ी की आवाज सुनाई देती है। बड़ी गेम में वापस आ चुका होता है। गाय और बड़ी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोस्तों इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 2021 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।